नमस्कार दोस्तों, learner.com में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के थ्रू हम जानेंगे कैसे आप इनोवा क्रिस्टा की जो MID होती है, जो कि मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले जिसे कहते हैं, उसे किस तरह से आप ऑपरेट कर सकते हैं, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन उस स्क्रीन में दिखाई जाती हैं और कौन कौन सी सेटिंग्स उसमें अवेलेबल होती है। एक एक करके हम सभी ऑप्शन को चेक करेंगे, तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लें कि उस मेन्यू को ऑपरेट करने के लिए जो बटन्स होते हैं वो कहाँ पर दिए गए हैं। जो बटन्स हैं वो आपको स्टेयरिंग व्हील के राइट साइड पर दिए गए हैं, जो कि नेविगेशन बटन्स जिन्हें कहा जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें मेन्यू को सेलेक्ट करने के लिए अप डाउन लेफ्ट एंड राइट बटन्स दिए गए हैं। बीच वाले बटन को प्रेस कर आप किसी भी ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। ऊपर वाला जो बटन कॉर्नर में दिया गया है, ये आप मेन्यू से बाहर आने के लिए यूज़ करते हैं। और साथ में नीचे जो दिया गया है, दैट इज अ शॉर्टकट स्विच, इसे किस तरह से सेट करते हैं ये हम वीडियो में आगे जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको इसमें दिखाई देती है। तो अगर हम ऊपर से शुरू करें तो आप देखेंगे कि सबसे ऊपर जो दिया गया है वो है आउटसाइड टेम्परेचर, जो कि इस समय 42 डिग्री सेल्सियस आपको दिखा रहा है। उसके बाद P जो दिखा हुआ है, दैट इज ड्राइविंग मोड। तो इस समय गाड़ी जो ऑटोमेटिक गाड़ी है वो पार्किंग मोड पर लगी हुई है, तो इस समय आपको P वहाँ पर दिखा रहा है। उसके बाद ये चार जो आइकन्स आपको दिख रहे हैं, ये चार मेन्यू आइकन्स हैं, जिसे अगर हम देखें, सबसे पहला I जो लिखा है, दैट इज़ इन्फॉर्मेशन, जिस स्क्रीन के बारे में हम अभी आपको दिखाएंगे। सेकेंड वन इज़ म्यूजिक एंड ऑडियो, थर्ड वन इज़ वार्निंग मैसेजेस, और फोर्थ जो है वो है सेटिंग्स। तो एक एक करके हम चारों के चारों स्क्रीन्स को चेक करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आप इन्फॉर्मेशन के साथ। इन्फॉर्मेशन में जैसे कि आप देखेंगे तो अभी आपको जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है इस समय जो गाड़ी माइलेज दे रही है। तो आफ्टर स्टार्ट के बाद जैसे कि आप देखें 0.0 किलोमीटर पर लीटर, तो किलोमीटर पर लीटर जाहिर है कि यहाँ पर माइलेज की बात हो रही है। और किलोमीटर पर लीटर इस समय जो जीरो दिखा रहा है वो इसलिए क्योंकि अभी हमने व्हीकल को जस्ट स्टार्ट किया है। तो जैसे ही व्हीकल को आप स्टार्ट करते हैं ये रीसेट हो जाता है, और गाड़ी जैसे ही आप चलाना शुरू करेंगे माइलेज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर आपको यहाँ पर दिखाएगा। दूसरा ऑप्शन नीचे दिया गया है, अगेन आफ्टर रीसेट 8.2 किलोमीटर पर लीटर, ये भी अगेन माइलेज दी गई है, बट इसमें ऊपर लिखा है आफ्टर रीसेट। तो आप जिस तरह से नीचे लिखा हुआ है होल्ड बीच वाले बटन को जब आप प्रेस करेंगे टू रीसेट, तो आप जैसे ही उसको प्रेस कर रखेंगे आप देखिए वो भी रीसेट हो जाती है। तो आफ्टर स्टार्ट जो माइलेज है वो हर बार गाड़ी के स्टार्ट करने पर रीसेट हो जाती है, वहीं आफ्टर रीसेट वाला ऑप्शन केवल गाड़ी जब भी हम ये बटन प्रेस कर रीसेट करेंगे माइलेज को तभी रीसेट होता है। अब चलते हैं अगले स्क्रीन पर। सबसे ऊपर है रेंज, जो कि आपको दर्शाता है कि इस समय जो करंट फ्यूल लेवल है गाड़ी में, उसमें गाड़ी एक एस्टिमेटेड कितने किलोमीटर्स तक आप गाड़ी को चला सकते हैं। अगले ऑप्शन पर देखें तो वो है आफ्टर रीसेट 31 किलोमीटर पर आवर। तो 31 किलोमीटर पर आवर से जाहिर है कि ये आपको एक एवरेज स्पीड बता रहा है, तो इसे भी आप रीसेट कर सकते हैं बीच वाले बटन को दबाकर, जिस तरह से कि आपको एक बार कर दिखाएं। तो अब से जब गाड़ी जैसे ही चलना शुरू होगी, जो भी गाड़ी की एवरेज स्पीड है वो यहाँ पर आपको दिखाई देती रहेगी। अगले स्क्रीन पर हम आते हैं इको इंडिकेटर। तो ये बेसिकली आपको शो करता है आपका ड्राइविंग पैटर्न अच्छी माइलेज लेने के लिए, जो कि 3 पैरामीटर्स पर जज किया जाता है, स्टार्ट, क्रूज एंड स्टॉप। तो जैसे जैसे ये बार्स आपके ग्रीन होंगे आगे की तरफ, दैट मींस आप उतना बेटर ड्राइविंग कर रहे हैं। ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन दिखाता है आपके ड्राइविंग पैटर्न से रिलेटेड। उसके बाद इंफॉर्मेशन के फोर्थ स्क्रीन पर अगर जाएं तो वो है इको सेविंग। इको सेविंग में सबसे पहले दिखाया गया है फ्यूल कंजम्पशन कंपैरिजन 10 किलोमीटर पर लीटर। ये दिखाता है जो आप अज्यूम कर रहे हैं माइलेज अपनी गाड़ी से, और वो आप कहाँ से सेट कर सकते हैं वो मैं आपको आगे सेटिंग्स वाले स्क्रीन में दिखाऊंगा। वहीं आफ्टर रीसेट 9.4 किलोमीटर पर लीटर, जो कि करंट माइलेज अभी दिखा रहा है। उसके नीचे जो जीरो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको एक्चुअल अमाउंट दिखाता है जो कि फ्यूल आपने सेव किया है अपनी अजम्पशन के अकॉर्डिंगली। तो मान लीजिए कि आपने अजम्पशन डाली थी 10 किलोमीटर पर लीटर की, और आपकी जो माइलेज नीचे दिखा रहा है वो 12 किलोमीटर पर लीटर आ रही है, तो आपको जो 2 किलोमीटर पर लीटर एडिशनल माइलेज मिली है उससे आपको कितनी कॉस्ट आपने सेव की वो यहाँ पर दिखाता है। उसके बाद नीचे देखें अगर, तो ऑडोमीटर आता है कि टोटल किलोमीटर्स कितना गाड़ी रन हो चुकी है,
जो कि 3586 किलोमीटर इस समय पर दिखा रहा है। इसे अगर आप प्रेस करें, इस बटन से आप ऑपरेट कर सकते हैं, आप देखेंगे ट्रिप ए, ट्रिप बी, वहीं थर्ड ऑप्शन जो आता है वो है ब्राइटनेस का। तो इसको अगर आप होल्ड करके रखेंगे, आप मीटर की ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा भी यहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। ये है आपका ऑडियो। तो इस समय ब्लूटूथ ऑडियो नॉट कनेक्टेड दिखा रहा है। आप चाहें तो आप ऑडियो का सोर्स म्यूजिक सिस्टम से ना कर कर यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप बीच वाला बटन प्रेस करेंगे सोर्स के लिए, आपके पास सोर्स सेलेक्ट करने के ऑप्शंस आ जाते हैं, जो कि हैं ब्लूटूथ, मिराकास्ट, एएम, एफएम एंड यूएसबी। तो आप चाहें तो इन्फोटेनमेंट सिस्टम के अलावा यहां से भी अपना ऑडियो का सोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। उससे अगले ऑप्शन पर हम चलते हैं, जो कि है मैसेजेस। अब ये कोई आम मैसेजेस नहीं है जो कि आपके फ़ोन में आते हैं। यहाँ पर आपको दिखाता है वार्निंग या हजार्ड मैसेजेस, जो कि आपकी गाड़ी में अगर कोई भी माल फंक्शन होता है, या फिर मान लीजिए अगर गाड़ी का जिस तरह से डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर फुल हो रहा है, और या फिर एड ब्लू का लेवल लो हो रहा है, इस तरह की सभी इंडिकेशंस और वार्निंग मैसेजेस आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं। चलिए चलते हैं आखिरी ऑप्शन, जो कि है सेटिंग्स पे। सेटिंग्स में जैसे ही हम जाते हैं, आपको मीटर कस्टमाइजेशन करके ऑप्शन मिलता है, जहाँ से सभी सेटिंग्स शुरू होती हैं। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रहा है वो है लैंग्वेज का। तो आप मीटर की लैंग्वेज यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आपको सिर्फ इंग्लिश ही मिलता है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट यूनिट्स पर। यूनिट्स में आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपकी डेटा कैलकुलेट किया जा रहा है, जैसे कि माइलेज, वो किस यूनिट के अंदर आपको शो करे। तो इसमें आप किलोमीटर पर लीटर या लीटर पर 100 किलोमीटर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अपनी कंट्री में हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम किलोमीटर पर लीटर ही सेलेक्ट किया जाता है। उसके बाद चलते हैं अगले ऑप्शन पर, जो कि है इको। अब इको इंडिकेशन यहाँ से आप जैसे ऑन करेंगे, तो आपको यहाँ पर ग्रीन कलर का इको लीफ दिखाई देगा। तो जैसे ही आपकी ड्राइविंग जो है, जो एक्सेलरेशन आप देते हैं वो बिल्कुल परफेक्ट है एज पर द गियर, तो वो आपको ग्रीन लीफ वहाँ पर इल्यूमिनेट होकर दिखाता है। जैसे ही आप हार्श एक्सेलरेशन करते हैं, तो वो इको लीफ बंद हो जाता है। ये केवल एक इंडिकेशन है आपके ड्राइविंग पैटर्न को, जो दिखाता है कि किस तरह से आप एक बेटर माइलेज अटेन कर सकते हैं। उसके बाद हम जाते हैं स्विच सेटिंग्स। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में जो स्विच दिखाया था, वो एक शॉर्टकट स्विच है। तो वो शॉर्टकट स्विच उस चीज़ के लिए काम आता है कि मान लीजिए आप किसी भी एक स्क्रीन को अपना फेवरेट स्क्रीन बनाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, पहले उस स्क्रीन पर जाएंगे। मान लीजिए मैं ऑडियो वाले स्क्रीन को अपना फेवरेट स्क्रीन बनाना चाहता हूँ। यहाँ पर जाकर आपको करना क्या है, इसको सेट करने के लिए आपको इस बटन को प्रेस कर रखना है 3 सेकंड्स के लिए। और आप देखिए वहाँ पर आएगा लिखा हुआ स्विच सेटिंग्स चेंज रजिस्टर्ड स्क्रीन। तो आप इसे जैसे ही यस करेंगे, अब आपका शॉर्टकट की रजिस्टर हो गया है इस स्क्रीन के लिए। तो मान लीजिए आप इंफॉर्मेशन वाली स्क्रीन पर हैं, जब भी आप किसी भी स्क्रीन से ऑडियो वाली स्क्रीन पर आना चाहें, आपको केवल ये बटन प्रेस करना है। इस बटन को प्रेस करते ही आप डायरेक्टली ऑडियो वाले स्क्रीन पर आ जाएंगे। तो चलते हैं बाकी की सेटिंग्स पर। सेटिंग्स में स्विच सेटिंग्स के बाद आता है ड्राइव इन्फो 1 एंड ड्राइव इन्फो 2। ड्राइव इन्फो 1 के अंदर आपको एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, जो कि आप किस तरह से सेलेक्ट करना चाहते हो, किस तरह से आप देखना चाहते हो, वहां पर आप सेलेक्ट कर सकते हो। जिस तरह से इसमें अभी है आफ्टर स्टार्ट, आफ्टर रिफ्यूल। आफ्टर स्टार्ट होता है कि जब भी व्हीकल स्टार्ट होगा, ऑटोमेटिकली जो फ्यूल इकोनॉमी है वो रीसेट हो जाएगी। वहीं आफ्टर रिफ्यूल में जैसे ही आप गाड़ी को रिफिल कराएंगे, जैसे ही गाड़ी में आप फ्यूल डलवाते हैं, ऑटोमेटिकली आपका जो फ्यूल इकोनॉमी है वो रीसेट हो जाएगा। नेक्स्ट है एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड में भी आफ्टर रीसेट, यानी कि अगर आप सेंटर वाले बटन को प्रेस कर उसको रीसेट कर देते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाएगी, या फिर आफ्टर स्टार्ट। तो जैसे ही गाड़ी, जब भी आप दोबारा स्टार्ट करेंगे, पुराने वाला जो भी डेटा था वो रीसेट हो जाएगा और आपकी एवरेज स्पीड दोबारा से कैलकुलेट होनी शुरू हो जाएगी। वहीं तीसरा है इलैप्स टाइम। इलैप्स टाइम में बेसिकली दिखाता है कि आपका गाड़ी का इंजन कितने समय से रन कर रहा है। उसमें आपके पास ऑप्शंस हैं आफ्टर रीसेट एंड आफ्टर स्टार्ट। अगेन सेम तरीके से आप इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि जो करंट फ्यूल इकोनॉमी है वो आप बार टाइप में देखना चाहते हैं कि वैल्यू में। तो वैल्यू में आप देखेंगे तो आपको एक्चुअल फिगर्स दिखाएगा, वहीं बार टाइप में आपको बार्स बने हुए दिखाता है।
इसको मैं सजेस्ट करता हूँ आप वैल्यू टाइप ही रखिए, तो आपको एग्जैक्ट डेटा आपको वहाँ पर दिखता रहता है। उसके बाद चलिए चलते हैं ड्राइव इन्फो 2 पर। ड्राइव इन्फो 2 के अंदर आप डिस्टेंस रेंज जो है पहला ऑप्शन है, डिस्टेंस रेंज को आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि रेंज आपको एक्चुअल रेंज वहाँ पर शो करता रहे या फिर आफ्टर स्टार्ट रेंज को वो दोबारा से कैलकुलेट करे। वहीं एवरेज स्पीड आफ्टर रीसेट, इसे आप चेंज कर सकते हैं एवरेज स्पीड को भी रीसेट या आफ्टर स्टार्ट। बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ जो कि है पॉपअप डिस्प्ले। पॉपअप डिस्प्ले होता क्या है कि MID स्क्रीन में बीच में आपको किस तरह के पॉपअप डिस्प्लेज आए, तो टेलीफोन वाला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। अगर आप इसे ऑन कर लेते हैं तो जब भी आपका सेलफोन जो कि कनेक्टेड है आपके इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ, जैसे ही आपको कोई कॉल रिसीव होती है तो उसका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको MID पर भी दिखाई देता है। आप चाहें तो उसे यहाँ से ऑफ भी कर सकते हैं। वहीं आता है कलर ऑप्शन, तो कलर ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे। कलर ऑप्शन के अंदर आप देखेंगे कि इस समय ब्लू सेलेक्टेड है, और जैसे ही आप इसको चेंज करेंगे इसका डायरेक्ट असर आपके इंफोटेनमेंट सिस्टम पर भी पड़ता है। तो ये एक तरह से आप थीम कह लीजिए। तो जैसे ही आप मान लीजिए अगला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, तो आप जैसे ही उसे सेलेक्ट करेंगे देखेंगे कि आपका ऑडियो सिस्टम का थीम भी चेंज हो गया है। मान लीजिए हम रेड थीम सेलेक्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि ऑडियो सिस्टम पर भी उसका इफेक्ट आता है, और यहाँ से आप बेसिकली उस कलर थीम को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है इको सेविंग, जो कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में। इको सेविंग में आपको डालना होता है फ्यूल कंजम्पशन कंपैरिजन के अंदर, सबसे पहले आपको डालना है आपकी डिजायर्ड, जो भी आपकी अज्यूम्ड एक माइलेज है। मान लीजिए आप अज्यूम कर रहे हैं गाड़ी से 10 km/L का माइलेज लेंगे। वहीं आपको दो चीजें और डालनी पड़ती हैं, वो है फ्यूल प्राइस। फ्यूल प्राइस में आप डालेंगे जो करंट आपके एरिया में जो भी फ्यूल का प्राइस है पर लीटर का, और साथ ही करेंसी, करेंसी आप रुपीज सेलेक्ट कर लीजिए। अब जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए आपने अज्यूम किया है 10 km/L का माइलेज और आपकी गाड़ी ने दी 12 km/L की माइलेज, तो 2 km/L जो एक्स्ट्रा आपने अचीव किया है उसका करंट फ्यूल के प्राइस के हिसाब से आपने कितनी कॉस्ट की सेविंग की, वो आपको इस ऑप्शन में दिखाता है। वहीं सबसे आखिर में आता है इनिशियलाइज डिस्प्ले, जिसे आप फैक्ट्री रीसेट भी कह सकते हैं। तो जैसे ही अगर आप इसे यस करेंगे आपकी सारी सेटिंग्स रीसेट हो जाएंगी। आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको MID से रिलेटेड सभी ऑप्शंस और सेटिंग्स क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।